अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अक्सर लोग जब वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं या अपलोड करने के बाद उनको एक प्रॉब्लम आती है कि ये जो पीडीएफ का लिंक है ये कैसे हम शेयर करें या यहाँ में उसकी डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक कैसे दें। तो बेसिकली मेरा ये एक एजुकेशनल चैनल है, मैं यहाँ पे एजुकेशनल वीडियो अपलोड करता हूँ। तो मैंने आज यहाँ पे एक ये पहले तो एक पीडीएफ लिंक दिया हुआ है, एक और यहाँ पे पीडीएफ लिंक देना है। तो मैं इसका तरीका आपको बता देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। इसके अलावा इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट ये जो जिस तरह ये रैंक आए हुए हैं, ये वीडियो रैंक कर रही हैं, वीडियो अपलोड करते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, चैनल को ग्रो कैसे कराना है। मेरा बिल्कुल ये अभी नया चैनल है तो आप इसको सर्च करते हैं तो ये कैसे आ जाता है ये देखें। अगर मैं इसको यूट्यूब में यहीं पर सर्च करूँ, यहाँ पे ये मेरा अपना चैनल नहीं है, दूसरा मैंने खोला है, यहाँ पे मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिखता हूँ तो ये कैसे ही मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो ये टॉप पे कैसे आएगा, ये टॉप पे आ गया। हालांकि मेरे टोटल 515 सब्सक्राइबर हैं लेकिन ये कैसे आ गया टॉप पे, तो ये भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि इसका क्या तरीका कार होते हैं, एजुकेशनल चैनल को किस तरह ग्रो किया जाता है और इस ये वीडियो अपलोड करते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये SEO स्कोर क्या होता है, ये SEO ये मेरे सारे जो रैंक कैसे कर रहे हैं, जो मेरे टैग्स हैं और टैग्स होते क्या हैं, इनको कहाँ डालना होता है, इसकी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। अभी आज मैं आपको यहाँ पर जो है गूगल ड्राइव से किस तरीके से आपने यहाँ पर उसका PDF लिंक देना है ये मैं शेयर करूँगा। तो सबसे पहले तो आपके जो कंप्यूटर है उसके ऊपर वो होनी चाहिए जो आपने फ़ाइल अपलोड करनी है, तो वो कैसे वो किस तरीके से आएगी वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये देखिए आपने सबसे पहले तो आपने अपनी डाउनलोड के अंदर या आपके कंप्यूटर पे जहाँ पे भी आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है उसकी लोकेशन देख लेनी है। अब मैंने ये मेरी इसकी ये फ़ाइल पड़ी हुई है, ये लेसन ये जो इंग्लिश की यहाँ पे है इंग्लिश चैप्टर 1, ये देखें ये इंग्लिश चैप्टर 1, इसका मैंने ये इंग्लिश चैप्टर 1 का 2 ये मैंने अपलोड करना है। तो ये मैंने देख लिया कि यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब मैं वापस जाऊँगा, मैं गूगल ड्राइव पे जाऊँगा। अब इसमें मैंने सिंपल जो इसका गूगल है यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर मैंने लिख लेना है गूगल ड्राइव, ये गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव पे आ गए, यहाँ पे इसकी ये क्लाउड स्टोरेज में चले गए, यहाँ से आपने सीधा गूगल ड्राइव पे चले जाना है और यहाँ से आपने ये देखें, ये तो पहले मेरी जो PDF फाइल है इनसे भी इन किसी का भी यहाँ से मैं लिंक जो है वहाँ पे दे सकता हूँ, लेकिन मैं न्यू फाइल अपलोड करूँगा ताकि आपको पूरी समझ आ जाए। अब न्यू पे आपने जाना है, यहाँ पर आपने फ़ाइल अपलोड पर जाना है, फ़ाइल अपलोड करने के बाद अब आपने इसको लोकेशन बतानी है। देखिए वो मेरी लोकेशन डाउनलोड के अंदर थी तो ये मैंने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया। अब मैं नीचे इसको स्क्रॉल करूँगा तो वो मेरी कौन सी थी, ये देखें ये इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 का 2, तो इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ओपन किया। अब ये यहाँ पर अपलोड होना शुरू हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि ये आप ऑलरेडी है, तो चूंकि इस नाम से ऑलरेडी मेरी मौजूद थी तो मैं इसको दोबारा अपडेट एग्जिस्टिंग कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये अब होना शुरू हो जाएगी। ये देखें ये अभी थोड़ी देर में ये पूरी अपलोड हो जाएगी, ये होगी अपलोड। अब ये कहाँ पे आ गई, ये देखें ये इंग्लिश जो है वो ये देखें ये इंग्लिश चैप्टर 1 था, ठीक है, और ये उसका ये आ गया PDF लिंक। अब मैंने इसको वहाँ पे लेके जाना है तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद इसको शेयर पे, अब शेयर पे जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये कह रहा है कि क्या जो है वो चेंज टू एनीवन, क्योंकि यहाँ पे अभी तो है ये सिर्फ जो है रीड ओनली पीपल एडिट कैन बी विद दिस लिंक, तो मैं इसको चूँकि मैंने पब्लिक करना है तो मैं एनीवन पे लेके जाना है तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो ये यहाँ पे देखें ये अब सारे जो है वो कोई भी एनीवन ऑन द इंटरनेट विद दिस लिंक कैन व्यू। अब यहाँ पर मैं इसको कापी लिंक करूँगा, कापी लिंक कापी हो गया, अब मैं डन पे आ गया, अब मेरा लिंक कापी हो गया। अब मैं अपने चैनल पे जाऊंगा, ये मेरा चैनल था, इसके अंदर अब मैंने यहाँ से इसकी यूट्यूब स्टूडियो में जाना है और ये काम आप जब वीडियो अपलोड कर रहे होते हो उस दौरान भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरी अपलोडेड वीडियो है उसके अंदर मैंने एडिशन करनी है तो उसका तरीका मैं बता रहा हूँ। ये देखिए मैं इसके यूट्यूब में आ गया, ये कंटेंट्स में जाऊँगा, मैं कंटेंट्स में जाके अब मैंने ये मेरी जो आखिरी वीडियो है ये लास्ट वाली
इसके अंदर चूँकि इसको मैंने अपलोड करना है, पेश करना है, तो मैं इसकी डिटेल में जाऊँगा यहाँ पर। यहाँ से अब ये इसके अंदर मैं कुछ भी एडिशन कर सकता हूँ। तो ये देखें, ये मेरी डिस्क्रिप्शन है, इसके अंदर मैंने एक लिंक ये दिया हुआ है, दूसरा लिंक मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा। ये मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ये देखें, अब दूसरा लिंक यहाँ कॉपी हो गया। ठीक है जी, इस तरीके से आप, अब मैंने इसको जस्ट सेव कर देना है। तो ये मेरे पहले एक लिंक था, आपने देखा था, अब ये दूसरा लिंक भी आ गया। तो ये मैंने इसको सेव कर दिया। ये देखें, डिफरेंट लिंक है, वो अलग है, ये अलग है। तो अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं जाके देखता हूँ कि क्या मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये आ गया है कि नहीं। ठीक है, अब मैं यहाँ से वापस जाता हूँ अपने चैनल पे। अब ये मेरी वीडियो थी, अब इस वीडियो को मैं ओपन करूँगा।